हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है, 1974 पोस्ट पे SGPGI के वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जो कि आज थर्ड डे है। तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबने रेडी करके रखे होंगे, बट फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जैसे कि 10th 12th होगी, जो भी आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, वो सारी की सारी फोटोकॉपी होनी चाहिए। वन सेट फोटोकॉपी का रहना चाहिए। वहाँ जाने के बाद आपसे सेल्फ टेस्टेड कराया जाएगा, डेट डलवाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई नॉर्मल, लेकिन जो GNM वाले बच्चे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस जो लेके जा रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुन ले। जो GNM जिसने GNM की है, उनके पास एक्सपीरियंस होगा 2 ईयर का, 50 वैलिड हॉस्पिटल्स का। उनको सैलरी स्लिप लेके जानी है, क्योंकि यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है, नहीं है आपके पास, तो आपको आफ्टर 7 डेज बाद दोबारा सबमिट कराना होगा। तो हो सकता है आप बहुत दूर से आए हो, आप दोबारा से नहीं आ सकते हो, तो इससे अच्छा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही लेके जाएं। तो सैलरी स्लिप बच्चे जिनके पास आपका GNM किया हुआ, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस लिया है, उनके पास सैलरी स्लिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट सैलरी स्लिप आपकी, जो आपको स्लिप दी जा रही है, उस पर आप प्रोविजनल लिखा हुआ जा रहा है बच्चों के पास। जो बच्चे जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, उसकी जो स्लिप होती है, जो उनको दी जाती है, उसे प्रोविजनल लिखा जा रहा है। मतलब ये प्रोविजनल का कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो पूरे सबमिट नहीं हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिस है, और आपको आफ्टर 7 डेज बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा। सिर्फ 7 दिन का टाइम होगा आप लोगों के पास। तो अच्छा यही है कि आप लोग अभी, यदि आपके पास टाइम है, आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा लेट है, और आप लोगों ने GNM किया है किसी बच्चे ने, तो वो अपनी सैलरी स्लिप को निकलवा के ज़रूर जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ईजिली तरीके से हो रहा है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।